बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में 3 कार्यक्रम में भाग लिया। महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को सेक्टर 94 नोएडा में स्थित महामाया फ्लाईओवर के समीप प्लास्टिक से निर्मित विश्व के सबसे बड़े चरखे और सेक्टर 39 में पिंक टॉयलेट का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने सेक्टर 6 में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हेतु 15 अतिरिक्त गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस कार में इन गाड़ियों को भी सम्मिलित किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता को संदेश दिया। मानकर जन्मदिन की सौगात सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति की दी है, उसके लिए ऑडियंस की ओर से आप दोनों बर्थडे बॉयज को बहुत बहुत ग्रेटर नोएडा में जो क्लस्टर अपैरल का बनने वाला है उसके संदर्भ में मात्र इतना कहना चाहती हूँ, 5 लाख लोगों को नए सिरे से उसमें नौकरियां मिलेंगी, 60% महिलाएं होंगी। लेकिन मिशन के लिए आज आह्वान किया कि क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि डिजाइनर्स का एक एलिमेंट हम देख पाए। नोएडा में ही ईपीसीएच का काम है जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम करती है और ललित कुंद्राल जी का आपको साथ है, उस क्लस्टर में अपैरल डिजाइन और ईपीसीएच में डिजाइन सेंटर ओनली फॉर हैंडीक्राफ्ट के संदर्भ में आप जितना मदद मांगेंगे मैं टेक्सटाइल मंत्रालय से देने के लिए। ये बात सही है कि सुविधाओं के हम आदि हो गए, खर्चा बचाने के भी आदि हो गए। 30 लाख करोड़ टन प्लास्टिक हर वर्ष हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और जिसका मात्र 9% रिसाइकल होता है, मात्र 9%। आप समझ लीजिए कि बाकी 91% कहां रहता है। ये सब हम कहीं ना कहीं उस धरती माता को, ये हमारा ही देश है जिसके अंदर हम अपनी नदियों को, अपनी धरती मां को, अपने पेड़ों को, तुलसी माता को, गाय माता को, अपनी जन्म देने वाली माँ को माँ शब्द से हम प्रभाषित करते हैं और उस माँ के छाती पर अगर हम इतना बचा बोझ, आप समझिए धरती पर जितने मनुष्य हैं, लगभग 620 करोड़ जो मनुष्य हैं इस धरती पर, उनके बोझ के बराबर ये प्लास्टिक है। क्या आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है क्योंकि हमारे पार्टी की वो सीनियर लीडर भी हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन भी होता है। वो सिर्फ ये हेलीकॉप्टर वाला सर्वे नहीं किया, उन्होंने गाड़ियों से तो लगातार वो सर्वे करती रहती हैं, लेकिन वह ट्रेन पर भी चढ़कर अपने अमेठी में पड़ने वाले सभी प्लेटफॉर्म और स्टेशन को भी वो ट्रेन से रेलवे ट्रैक तक सर्वे भी पूरा करते हैं। ऐसे वहीं दूसरी खबर आपको बता दें कि 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगा दीप उत्सव का आयोजन। मंगलवार को दीप उत्सव के लिए किया गया भूमि पूजन। नोएडा में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीप उत्सव का आयोजन 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सेक्टर 33 शिल्प हॉट में किया जाएगा। ये जानकारी कार्यक्रम के आयोजक एवं ग्रेसल मॉरकॉम के निदेशक तिलोक शर्मा ने दी। लोग जी जो आप दीप उत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, कै साल से लगातार कर रहे हैं, क्या इस कार्यक्रम की थीम क्या होगी? ये हमारा 17 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 17वां है हमारा, 17वां वर्ष। थीम ये होती है कि जो लोग आर्टिशन होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खादी, जूट, इस तरह के जो लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था अब तक, नोएडा ने पहली बार एक सिल्फ आर्ट बनाया है सेक्टर 33A में उसमें इस बार का कार्यक्रम होगा। और जो हमारी थीम है वो तो जो वन टाइम पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसका यूज ना हो, उसके लिए हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है सभी लोगों को, दुकानों को, सबको, कि कोई भी पॉलीथीन यूज नहीं करेगा। दूसरा, पर्यावरण के लिए जो भी हमसे होगा संभव, हमारे माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन जा सकती है वो हम प्रयास करेंगे उसके लिए भी। और इसका करने का उद्देश्य हमारा एक है कि उन लोगों को एक जगह मिलती है, जो लोग जगह जगह जाके अपने स्टॉल लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, वो सामान आपको इतना सस्ता मिलता है कि जितना आप मॉल में जाएंगे मॉल में वो 4 गुना रेट में मिलता है। तो वो लोग अपना यहाँ पे सारा व्यापार करते हैं, उन लोगों को हम वो मुहैया कराते हैं सब चीज़ें, अच्छी से अच्छी उनको रुकने की जगह हम देते हैं, उनका आने जाने किराया हम लोग देते हैं,
और उनको सारी जो सामान बेचने की सुविधा, 10 दिन हमारा मेला चलेगा ये 4 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक का। और इसमें जो उद्घाटन के लिए हमने अभी बुलाया है, अभी कन्फर्मेशन नहीं आई है, केवल दिनेश शर्मा जी हैं जो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप हमारा आके इसका शो का उद्घाटन करें। नोएडा से जगदीश शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा में जनपद में संचालित सभी पेट्रोल पंपों पर डीजल एवं पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए मोबाइल लैब जनपद पहुंची। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मोजवेयर के पास स्थापित पेट्रोल पंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल लैब के माध्यम से 2 घंटे में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता की होगी जांच। जिलाधिकारी के प्रयास से पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से मोबाइल लैब जनपद में भेजी गई, जिसके द्वारा पूरे जनपद में सभी पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर पेट्रोल एवं डीजल की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मोबाइल लैब का गहनता के साथ निरीक्षण भी किया। उन्होंने संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।